ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, जितना भी अदर देन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम अदर देन ट्यूबरकुलोसिस के छोड़ के जो भी हमारे पास माइकोबैक्टीरिया होगा उसे हम कहेंगे एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। ये जो है ना वो माइकोबैक्टीरियम टीबी से, माइकोबैक्टीरियम टीबी से जितना भी डिफरेंस इसका होगा वो हम सारे का सारा देखेंगे। अब इसको जो है ना एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम को क्लासिफाई किया हुआ है किसने, एक आई थिंक रायोन्स था, ठीक है, उसने, साइंटिस्ट होगा कोई या पैथोलॉजिस्ट होगा, उसने जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन की है। इसके अंदर जो है ना इसको एक तो किसकी रेट ऑफ ग्रोथ के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन की है, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट, कौन कौन से जो है ना ये पिगमेंट्स बना रहा है इसके ऊपर। अब इसके अंदर ग्रुप वन, ग्रुप टू, ठीक है, ग्रुप थ्री के अंदर और हमारे पास ग्रुप फोर हो जाता है। ग्रुप वन जो होता है ना इंतहाई स्लो होता है, ठीक है, येलो ओरेंज जो होता है ना हमारे पास पिगमेंटेड, येलो ओरेंज पिगमेंटेड हमारे पास कॉलोनीज बनती है। जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना माइकोबैक्टीरियम कैनेंसाई हो गया, माइकोबैक्टीरियम कैनेंसाई, ठीक है, जो लंग्स के अंदर जाता है। इसके अलावा मेरिनियम, माइकोबैक्टीरियम मेरिनियम जो है ना वो ग्रुप वन के अंदर आ जाता है, जो कि स्विमिंग पूल में जो नहाते हैं ना वहाँ पे ये माइकोबैक्टीरियम मेरिनियम होता है, माइकोबैक्टीरियम कैनेंसाई जो होता है ना वो लंग्स डिजीज होते हैं, जिस तरह टीबी होती है इसी तरह। ये फोटो क्रोमोजीन्स हैं सारे के सारे, येलो ओरेंज जो है ना ये फोटो क्रोमोजीन्स की निशानदेही है। फिर हमारे पास आ जाता है टाइप टू, टाइप टू ये भी स्लो है और ये भी टाइप टू भी स्लो है, ठीक है, टाइप थ्री भी हमारे पास स्लो है, सिर्फ टाइप फोर जो है ना ये हमारे पास रैपिड है, ठीक है। टाइप टू स्लो है, इसके अंदर पिगमेंट जो है ना वो डार्क के अंदर जो है ना पिगमेंट इन डार्क के अंदर आ गए, इसको हम फोटोक्रोमोजिन, इसको स्कोटोक्रोमोजिन्स कहते हैं। जबकि यहाँ पे जो है ना थर्ड के अंदर वेरी लिटिल पिगमेंट्स आपको मिलेंगे, बहुत कम जो है, या फिर पिगमेंट मिलते ही नहीं है और इसका कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक माइकोबैक्टीरियम स्क्रैफ्यूलम जो होता है ना इसके अंदर आ जाता है, माइकोबैक्टीरियम स्क्रैफ्यूलम, वो इसके अंदर टाइप टू के अंदर आ जाएंगे, जो कि सर्वाइकल लिम्फ जो कि ना एडिनाइटिस करवा देते हैं चिल्ड्रन के अंदर, सर्वेक्स सर्वाइकल जो है ना के नाल वहाँ पे ग्रैनुलोमियोटिस सर्वाइकल। अब हमारे पास स्लो थर्ड वाले में आ जाते हैं, इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम एवियम, ठीक है, थर्ड वाले में माइकोबैक्टीरियम एवियम सारे का सारा आ जाएगा, और ये पल्मोनरी डिजीज है अम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, जिसका एचआईवी के पेशेंट और अम्यूनो कम्प्रोमाइज उसके अंदर है। जबकि ये फोर वाला ये रैपिड ऑनसेट है इसकी, बाकी तीनों की स्लो है, इसकी रैपिड है। इसके अंदर क्या होता है माइकोबैक्टीरियम जो है ना वो सेमैटिगमस हो गया, माइकोबैक्टीरियम सेमैगमाटिस हो गया, सेमैगमाटिस हो गया। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम फॉर्चुचिचम, ठीक है, फॉर्चुचिचम वो आ जाएगा। ये सारे के सारे लिखे हुए हैं यार, नाम परेशान नहीं होना, ये इसके अंदर ना लेविंसन के अंदर लिखे हुए हैं, आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिकस हो गया, जो कि स्किन का इन्फेक्शन करवा देता है बोन का इन्फेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास सारी की सारी रायोन क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपने देख लेना है, बुक के साथ को रिलेट करेंगे और ये इस तरह चार्ट बना लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।